ये तो हमारी अभी का है। देखा, ये मैंने अभी देखा है, उसमें ये को पहने बहुत प्यारा लग रहा था, उसका प्यारा लग रहा है ना, इनका भी प्यारा। आपका कहाँ का शूट? मेरा मियासा। अच्छा, मैंने पाई नहीं। कौन से है? चोको लावा। तेरा जो स्काफ है ना, ये जो इसका स्काफ है ना, ये मेरी ब्लॉग में बेइज्जती करा देता है। ये देखें गाइस, ये है रिजवाना और ये है फरहाना। ये जी रिजवाना है, न्यू बच्ची, ये मेरे पास रहने के लिए आई है। बहुत अच्छी बच्ची है और अभी ये इसको मैंने अपनी पर्सनल हेल्प के लिए रखा है। ये मेरी हेल्प करेगी, माय पर्सनल हेल्पर, क्योंकि मेरे पास पर्सनल हेल्प के लिए तो होता ही नहीं था। सारे काम करते रहते थे इधर उधर, ये 24 घंटे मेरे के लिए और मेरे बच्चों के लिए, ये सिर्फ मेरा काम करेगी। देखा रिजवाना, शी इज़ रिजवाना, दिस इज़ रिजवाना। ये होता है सर, सही बोल रही। और यहाँ पे जी हम लोग की आदत है कि हम लोग अपनी कुकिंग खुद करते हैं, हेल्पर ज़रूर हमारे साथ होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि कुकिंग से लेके और बर्तनों के अरेंजमेंट से लेके सारे काम हम उनके साथ खुद करवाते हैं, जितना हम करवा सकें, स्पेशली दावतों के टाइम पे और खाने के टाइम पे। जुत्ती साइड से कर छोड़ना, इधर एक का वॉश जड़ा करा हुआ, इतने बेडरूम में ले आओ, दरमियान वाले कमरे जाना, फिर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक होंगे, घरों में खुश आबाद होंगे। और आज हमारे घर बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं, व्लॉग के स्टार्ट से आपको अंदाज़ा हो गया, मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान और अल्लाह की रहमत मेहमान, और साथ ही जी हमारे घर का न्यू एडिशन रिजवाना, और इसी तरह जी रिजवाना ही न्यू एडिशन है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची है और एज़ अ हेल्पर मेरे पास आई है। और जी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक ऐसी लड़की रखूं जो मेरे पास रहे और जिसको मैं कुछ अपने मतलब जैसे पर्सनल काम की हद तक रखूं, जैसे उसको मैं अभी जैसे मेरे पास सबको पता है मुलाजिम होते हैं घर में, हेल्पर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि एक जॉइंट है तो उसमें सारा दिन किचन का काम ख़त्म नहीं होता और बाहर देना करना चाय पानी ये वो, हमारे घर गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत आते हैं, तो फिर ये होता है कि अक्सर मुझे वेट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है वो उधर काम कर लें या उन्होंने इतना काम कर लिया तो वो थक गई हैं तो आराम कर लें। तो मैं चाह रही थी कि एक लड़की ऐसी मेरे पास आके रहे जो सिर्फ मतलब मेरे मुझे कहीं आना जाना हो तो मेरे साथ आ जा सके, क्योंकि अक्सर मुझे जब जाना पड़ता है कहीं पे तो फिर मुझे अकेला जाना पड़ता था, क्योंकि पीछे मुझे मुलाजमा छोड़ के जानी पड़ती थी कि वो पीछे बच्चों को चाय पानी खाना चलें सब कुछ देखें जी। वैसे तो डेली सफाई होती है लेकिन गेस्ट आने के से पहले जो मैं एक दफ़ा दोबारा से सब कुछ सेट करवाती हूँ, उसके बाद अभी हमारा ड्राइंग रूम बहुत अच्छी हालत में सेट हो गया है, कारपेट चेंज हो गया, और ये टॉमो बॉय जो हमारा टॉमो है, कोई आए या कोई जाए ये टेबल पे बैठता है, क्योंकि हमने ना इनको बेड और सोफों पे बैठने की आदत नहीं डाली, तो ये टेबल पे बैठते हैं या नीचे बैठ जाएंगे या कोई गद्दी देख लेंगे। इस रात से ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दी थी, हमें पता था कि हमारे प्यारे गेस्ट आ रहे हैं हमें मिलने के लिए, तो यहाँ ये सैंडविचेस और साथ ये फ्रूट चाट तो रेडी होगी और बहुत मज़े की बनी है, और ये सैंडविच जो है बड़े डिफरेंट किस्म के सैंडविच हैं एग्स के साथ, इसमें मैंने फजीता सॉस किया, मायनीज़ किया और चिकन स्प्रेड किया और इस तरह और भी दो चीज चार सॉसेज में डाल के और काली मिर्ची डाल के यहाँ जी मैं चिकन की तैयारी कर रही हूँ, चिकन फ्राइड बनाएंगे थोड़ा सा हम चाय के साथ जो बड़ा इजी एंड क्विक है, और सॉस वगैरह मैंने ले लिए हैं। सॉस कौन से? बस ये देखें जी, ये दो सॉस, सोया सॉस और ये कौन सा है चिली सॉस, शक्कर ही नहीं सीधी हो रही। हाँ ठीक है, लाइट ऑन हो गई, ये देखें ये नया लाइटर लिया है ग्रोसरी के दौरान मैंने, गैस वाला नहीं है, अब कितना चलता है ये तो अल्लाह को पता होगा, लेकिन चले जले तो जल गया शुक्र है। चलो इसमें क्या डालेंगे हम? इसमें डालेंगे जी 2-4 चम्मच सोया सॉस, साथ इसमें डालेगा विनीगर दे चिली सॉस, ठीक है, और क्या डालेंगे, ये ठीक है अंदाजा से हर चीज के अंदर, और स्लो आग पे इसको पकने देंगे, पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे और बस ये जबरदस्त तैयार हो जाएगा। चलो जी अभी ही चाय के बर्तन भी अभी निकलवा लेते हैं, वॉश करवा के उनको भी सेट करवा लेते हैं, इस पे देते हैं बर्तन। अच्छा जी इसके अंदर यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा मतलब 3-4 जो है ना लहसुन के भी कूट के इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बस यही कुछ इसमें जाना है।
अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी रेसिपी चेंज करके अक्सर ही मैं फ्राइड चिकन बनाती हूँ, कभी मैं पकौड़ा चिकन बनाती हूँ चाय के साथ। एक तो मुझे ये इजी लगता है, दूसरा जिन्होंने नहीं देखा होता इसलिए दोबारा से रेसिपी भी बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ मैक्रोनी की भी साथ तैयारी करी। मैक्रोनी का ये फ़ायदा होता है गेस्ट भी बड़े शौक से खाते हैं और मेरे खुद मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैक्रोनी तो जब भी मेरे घर कोई आए मस्ट बनती, कोई ना भी आए अब तो मेरे बच्चों को खुद भी बनाने आ गई रेसिपी देख देख के, वो खुद भी बहुत मज़े की बनाते। अच्छा जी, है चाय का टाइम और साथ ये देखें मैक्रोनी जो है ना, ये बस मैंने कई दफ़ा इसकी रेसिपी बताई है, थोड़ा सा चेंज, तो फिर हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस सॉसेज वगैरह इसके अंदर ऐड, वेजिटेबल ऐड, चिकन ऐड और क्या कहते हैं अदरक लहसन जो है वो भी ऐड, और उसके बाद अब इसके अंदर मैक्रोनी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, बॉईल की हुई हमारी ऑलरेडी तैयार पड़ी है, और उसके बाद ये बस हमारी ये डिश फाइनल हो जाएगी। और केचप वगैरह हमारा दिल करेगा तो हम बीच में ही ऐड कर देंगे, नहीं करेगा तो हम साथ रख देंगे। अक्सर लोग साथ रखते हैं लेकिन मैं बीच में ही थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। और केचप कौन सी जो होती है गार्लिक, और यहाँ पर ठीक, क्योंकि मैं सफाइयाँ करवा रही थी अंदर बाहर और बहुत से काम साथ साथ देख रही थी, ये फ्रूट शर्ट बन रही, और जो भी आपने एग्स देखे वो मैंने एग्स बॉयल करने रखे थे और मैं पानी डालना भूल गई थी। देखें इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं हो सकती कि मैंने एग्स को रखा है चूल्हे पर और उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, लेकिन हमारी ये सैंडविचेस बन चुके हैं, साथ हमारी चना चाट बन गई है। तो बस यहाँ ये फ्रूट चाट तैयार होगी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बने भी बहुत मज़े की, मैंने पहले भी शायद बताया व्लॉग में एडिट करते हुए। बस ये तो उसको फ्रिज में रखते हैं और यहाँ पर बस मैं अपने गेस्ट वगैरह का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं बस तो बस चाय सर्व करते हैं। और यहाँ ज़रा मैं बाहर भी निकल के देख लूँ कि बाहर की सफाइयों का क्या सीन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना क्योंकि माशाल्लाह घर बड़ा है ना, और विलेज में आपको पता है वैसे भी घर बड़े होते हैं तो अंदर बाहर सफाई के लिए हर बंदा अलग अलग होता था। ये जी माशाल्लाह मेरा घर, होम स्वीट होम, और जिसमें रहने की इतनी आदत हो गई है कि इस घर के बगैर मैं रह नहीं सकती। तो ये है जी मेरा प्यारा सा घर, और यहाँ बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है, शाम में बहुत मज़े का टाइम होता है, और यहाँ पे गेट टुगेदर्स करने का जितना मज़ा आता है ना उतना मेरे घर में शहरों में नहीं आता होगा। आप यकीन करें जब ईद के मौके पे मेरे सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे ससुराल वाले, मेरे मेका घर, तो बहुत ही हम लोग इंजॉय करते हैं, और वो एक सिंपल चाय और सिंपल खाना भी इतना मज़ा देता है, वो किसी मतलब होटल में भी शायद इतना मज़ा नहीं आता, किसी रेस्टोरेंट में भी। तो यहाँ बस जी मैं सफाई वगैरह चेक कर रही हूँ, अभी हमारे गेस्ट नहीं आए, उनका वेट कर रही हूँ, और जैसे ही वो आते हैं तो फिर आपको मिलवाते हैं उनसे। अभी बस यही रह गया ना, ठीक है, लाइट्स थोड़ी खराब हो गई हैं। ये हो गया गरम, ये मुझे लगता है गरम नहीं हुआ अभी, चिकन हो गया, चल चिकन ये अभी थोड़ी हुई है, तेरा जड़ा है स्काफ है ना, ये जो इसका स्काफ है ना ये मेरी ब्लॉग में बेइज्जती करा देता है, चल टो टो टो। नहीं ये तो बहुत अच्छी बच्ची, वैसे तो बहुत अच्छी बच्ची, यही ना लगवा दूं, क्या कहते हो, इधर लगाएं, इधर लगा दो, हाँ हाँ इधर, चलो उठ बैठो, चल सर सर पीछे, ये तो हमारी अभी क्या है, देखा ये मैंने अभी देखा है उसमें, ये को पहने बहुत प्यारा लग रहा था उसको भी। ये ही पहले बताएं आप, जबरदस्त यार, इतना अलग ही कलर हुआ है और इसकी कितना जबरदस्त, ये सारा कुछ बीच में था पैच वगैरह, ऑलमोस्ट जबरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये आप बताएं जनाब, आपका शूज तो क्या ही बात है, अच्छा ये जो ड्रेस है लामा का है, अच्छा, और ये शूज, शूज भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना, इनका भी प्यारा, आपका कहाँ का शूज, मेरा मियासा, अच्छा मैंने कहा नहीं पता कितना नहीं नहीं जे डॉट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये प्यारे प्यारे पर्स, ये चीज़ें तो देखनी होती हैं हमें, अब ये मत कहिएगा क्यों बताया, फिर मैसेज आ जाता है, बताया एक मैसेज करता है हमें कि आपने बताते,
ओह माय गॉड, आपका एमके का है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। थैंक यू। साइज बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आप खुद भी बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच। स्मार्ट लेडीज, कमाल कर देता है यार। यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि आपने बड़ा तकल्लुफ कर दिया, तो मैं उनको कह रही थी ये आपकी किस्मत और नसीब को, तो हर मेहमान की किस्मत में जो होता है वो हम हाजिर कर देते हैं। तो यहाँ हमने आज क्या बनाया, हमने मैक्रोनी बनाई, शामी कबाब, फ्रूट चाट, समोसियाँ, रोल, और साथ इस तरह बिस्किट्स भी थे, मिठाई भी थी, चना चाट, फ्राइड चिकन, और बस सैंडविचेस वगैरह और नगेट्स, जो कि बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चे आए नहीं थे, बड़े भी खा लेते हैं। खैर, शन्नो मेरी चाय लेके आई, शन्नो का गुलाबी दुपट्टा, गुलाबो। नहीं नहीं, पी लिया, कभी कभी तो बदपरहेजी होती, मेरी अपनी खत्म है बहन, थोड़ी की तुसी भी नहीं कर सकती। मेरा मैंने तो कोई जिम ही नहीं करने देता, ये लोग मुझे जिम नहीं करने देते, ये वो लोग जो मुझे जिम नहीं करने देते, है ना। मुझे एक हफ्ता हो गया, मैंने इसको कहा कर लेते हैं, इसने कहा कि क्या कर दी उसने, क्या करना है यार, बहुत बनता है। और यहाँ पे जी चाय मेरी बेटियों ने, और जो मेरे पास रहती हैं वो भी मेरी बेटियों की तरह ही हैं, सब ने मिल के यहाँ पे चाय सर्व की, और काफ़ी मेरी हेल्प करती हैं। इनके बगैर मैं कोई भी चाय, कोई दावत अरेंज नहीं कर सकती। ये जो मेरे हेल्पर्स हैं, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीफ़ करनी चाहिए, जो भी आपकी हेल्प करे उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इतना जो ये खिलारा होता है मेरे घर में चाय का, दावतों का, ये इनके बगैर बिल्कुल मैं मैनेज नहीं कर सकती। इनका मुझे बहुत सुख है। और यहाँ पर जी मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट जा रहे हैं, और चाय की आपको इसलिए अलग अलग नज़र आती है, मेरा कप भी अक्सर लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि हर बंदा हमारे घर में अपने टेस्ट के हिसाब से चाय पीता है। बच्चों का टेस्ट अलग है, जो कोई पीता है, अगर कभी बच्चे वैसे कम पीते हैं, मेरे हस्बैंड और तरह के पीते हैं, बाकी घर वाले और तरह से। और यहाँ जी ये लोग जा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनके आने का, बहुत अच्छा लगा इनका मुझे आना, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा थोड़े टाइम के लिए। अभी ये लोग बच्चे नहीं लेके आए, उनकी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं इनको कहती हूँ जब मेरे घर आया करें, आप बच्चे ले आया करें बगैर सोचे समझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बस जी मैं इनको सी ऑफ कर रही थी, और आपको मैं पहले भी अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि आने का सीन तो अलग होता है, लेकिन हमारे घरों में जाने का, दरवाजे तक छोड़ने का सीन, और उन गप्पों का भी अपना मज़ा होता है जो जाते 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 दरवाजे पे हमने कर लिया। मूड पे करेंगे अब बना, कैसे लग रहे हैं हम जाते। यहाँ पे जी मगरिब की अजानें आ गई हैं, और इनके छोटे छोटे बच्चे पीछे हैं, और यहाँ जिनके बच्चे नहीं, अल्लाह उनको बच्चे दे, आपने दुआ करनी, आप सब ने भी, अल्लाह उनको साहिब औलाद करे, आमीन। तो यहाँ हम बात कर रहे थे रिंग की, कि मैंने अभी एक रिंग ली है ब्लू नग वाली, और उसका वेट तकरीबन 7-8 माशी है, लेकिन उसका डिज़ाइन ऐसा है कि साइड पर उसके ना जरकून लगे हुए हैं, और उसका गोल्ड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और मेरा थोड़ा सा डबल माइंड हो गया, मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर लूँ, इसकी जगह मैं कोई टॉप्स ले लूँ, कुछ ले लूँ, क्योंकि उस पर गोल्ड तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, वो चांदी की ज़्यादा लग रही होती है। अल्लाह हाफिज़। ये सब जा रहे हैं, इनके आने का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, ये सब मेरी प्यारी मिलने वाली मेरी प्यारी दोस्तें हैं, दोस्तों जैसी हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाई हैं, जिसमें ड्रेसेस हैं, ये रिपब्लिक का ड्रेस है जो बड़ा प्यारा है, इसी तरह सफ़ायर के ड्रेसेस हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इन्होंने तकल्लुफ़ किया। और इसके साथ जी अब बाकी के काम स्टार्ट हो गए हैं, जो कि घर को सिमटवाने वाले, जिसमें सारा कुछ हो गया, टेबल साफ हो चुके हैं, और ये मैं इनको कह रही हूँ कि कवर दोबारा से सोफों पर चढ़ा दें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, खाते पीते हैं, भागते दौड़ते हैं, और मेरा जो ड्राइंग रूम है वो सेंटर में आता है, तो मुझे काफ़ी ख्याल करना पड़ता है। चलें जी, इसके साथ दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह जी अपना कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, और दुआओं में याद रखें मेरी प्यारी प्यारी बहनों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।